दोस्तों, हम हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार के लोगों को देखते हैं। सेम सिचुएशंस भी अगर किसी की लाइफ में आती है तो उससे डील करने के लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कोई बहुत इजीली उस बीमारी को ले लेता है कि ठीक है, बीमारी आई है तो ठीक हो जाएंगे, और कोई व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि छोटी सी बीमारी को भी कहीं बढ़ ना जाए, तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, परेशान हो जाता है। इसी तरीके से किसी की लाइफ में कुछ बुरी घटनाएं होती हैं, कुछ तकलीफ आती है, तो कोई डिप्रेशन में चला जाता है और कोई उसको बहुत इजीली ले लेता है कि ठीक है, ये दिन भी आए हैं, इन दिनों को भी हम अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास भरपूर पैसा है लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ कमी फील होती है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में सिर्फ डेली लाइफ की ज़रूरत पूरी करने लायक पैसा है लेकिन वो फिर भी बहुत खुश रहता है कि ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना दिया ना ईश्वर ने। दोस्तों, हमने जो एग्जांपल्स यहाँ पे देखे, इससे मन में एक सवाल आता है कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहे और कोई बहुत कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढ निकालता है दुखी रहने का। इन सब सवालों के जवाब हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में मिलते हैं। तो आज हम इस बुक से हमेशा के लिए अपने जीवन में शांति और खुशहाली को कैसे लाया जाए ये सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस बुक में लेखक बताते हैं कि मनुष्य के दो तरीके के माइंड होते हैं, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 90% काम सबकॉन्शियस माइंड करता है, अवचेतन मन। सच्ची खुशी, शांति, पैसा, अच्छे संबंध, अच्छा स्वास्थ्य, यह सब सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अपने जीवन में कैसे लाया जाए वही इस बुक में बताया गया है। सबकॉन्शियस माइंड ईश्वर का दिया हुआ एक अमूल्य गिफ्ट है हम सब लोगों को। इस बात से सचमुच कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे खुद के जीवन में या हमारे चारों ओर क्या घटित हो रहा है। हमारी नौकरी चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया है, या हम बीमार हैं, या हम किसी और बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। परिस्थिति छोटी हो या बड़ी हो, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके अपने अंदर हमेशा शांत और खुश रह सकते हैं। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता कैसे है। अगर आपको इसको बहुत सिंपल तरीके में समझना है तो वह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जिस विचार को सच मान लेता है, जिस विचार को एक्सेप्ट कर लेता है, वह उस विचार को आपके जीवन में प्रकट कर देगा। इसीलिए आपको करना सिर्फ इतना है कि जो भी चीज़ें आप अपने जीवन में चाहते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड से स्वीकार भर करवाना है। सबकॉन्शियस माइंड की कार्य प्रणाली के बारे में जानने में आपको एक बात जाननी ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स के ऊपर काम करता है। जो भी थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएंगे वो थॉट्स आपके जीवन की हकीकत बन जाएंगे। थॉट्स के मामले में यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि यह नेगेटिव थॉट के ऊपर भी वैसे ही काम करता है जैसे पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर काम करता है। इसको इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो थॉट्स आप किसके लिए सोच रहे हैं, वह तो बस आपके जीवन में उनको ले आएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके साथ में किसी ने कुछ बुरा किया है और आपके विचार ऐसे चल रहे हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो उसके साथ भी बुरा ही होना चाहिए, उसके जीवन में भी दुख तकलीफ आनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे यह गौर करना है कि बुराई के विचार, दुख के विचार, तकलीफ के विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं तो वो प्रकट भी आपके ही जीवन में होंगे। और इसके विपरीत, अगर आप बुरा करने वाले के लिए शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, उसके जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको यह ध्यान देना है कि शांति और खुशहाली के विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं तो वो सबसे पहले आपके ही जीवन में प्रकट होंगे। अब हमको यह तो समझ में आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड के काम करने का तरीका क्या है, काम करने की प्रणाली क्या है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि हम जो चाहते हैं उसको अपने जीवन में प्रकट करने के लिए रेगुलर लाइफ में ऐसा क्या करें कि हमारे ये थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएं। इसको करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह यह है कि आपको स्पष्ट रूप से बहुत क्लियरली यह पता होना चाहिए कि अभी आप अपने जीवन में क्या चाह रहे हैं। आप अच्छा स्वास्थ्य चाह रहे हैं,
आप धन संपत्ति चाह रहे हैं, अच्छे रिलेशन चाह रहे हैं, या मानसिक शांति चाह रहे हैं, या बिजनेस में ग्रोथ चाह रहे हैं, या और कुछ भी आप चाह रहे हैं, बट वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये सब कुछ हमको चाहिए। हमको स्वास्थ्य भी चाहिए, हमको मानसिक शांति भी चाहिए, हमको पैसा भी चाहिए, अच्छे रिलेशन भी चाहिए। तो क्या यह संभव है? हाँ, यह पूरी तरीके से संभव है। लेकिन उस सिचुएशन में आपको अपने दिन भर में हर विचार के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत धन संपत्ति कमा रहा है, और आपको उसको देख के इच्छा है कि आपको भी जीवन में बहुत सारा पैसा मिलना चाहिए, लेकिन आपको उसकी प्रोग्रेस देख के जेलसी फील हो रही है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके पैसा, धन संपत्ति तो अपने जीवन में ले आएंगे, लेकिन जो ईर्ष्या की भावना आपने पैदा की थी, उस भावना के द्वारा आप मानसिक शांति नहीं ला पाएंगे, खुशी नहीं ला पाएंगे। ये एग्जाम्पल इसीलिए बताया है क्योंकि आपने ये इच्छा प्रकट की थी कि हमको पैसे, धन संपत्ति, करियर, बिजनेस, इन सब के साथ साथ मानसिक शांति और खुशी भी चाहिए। अगर आपको सब कुछ साथ में चाहिए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अंदर पैसे के विचार के साथ साथ जेलेसी के विचार या कुछ और तरीके की नेगेटिव भावनाएं तो नहीं चल रही हैं। इसीलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या चाहिए या आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में क्या हैं। और जो चीज़ आपको चाहिए, सेम वैसे ही थॉट हर समय आपके मन में चलने चाहिए। अब आपको ये डाउट आ सकता है कि थॉट वैसे चलने चाहिए कैसे पॉसिबल है, क्योंकि थॉट हमारे कंट्रोल में रहते ही कहाँ हैं, वह तो ऑटोमेटिक दिन भर आते रहते हैं, हमारा उन पर जोर कहाँ चलता है, कंट्रोल कहाँ होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसको करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करने की टेक्निक पता होनी चाहिए, और वह टेक्निक जो ऑथर ने इस बुक में बताई है वह है आत्म सुझाव की टेक्निक, अफर्मेशंस की टेक्निक। इसको करने के लिए ऑथर बताते हैं कि आपको जो भी आपकी लाइफ में चाहिए वो एक पेपर पे आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसको सुबह उठ के और स्पेशली रात को सोते समय ज़रूर कीजिए। उसको बार बार पढ़िए, बार बार उसको रिपीट करिए, और ऐसा महसूस कीजिए कि जो सिचुएशन आपकी आइडियल सिचुएशन है, जो आप पाना चाह रहे हैं, वो अभी इस वक्त आपके पास में है। और यह प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक कि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में न पहुंच जाए। अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि यह विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गया है। इसका आंसर यह है कि जब कोई भी थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है तो वह आपकी आदत बन जाता है, आपको उसको एफर्ट्स लेकर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे कि हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं, साइकिल सीखते हैं, या स्विमिंग करना सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग बहुत कॉन्शियसली उसको करते हैं, लेकिन एक बार जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड वो करने लगता है तो आप गाड़ी चलाते चलाते गाना सुनते हैं, फ़ोन में बात करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपका हाथ ब्रेक तक पहुंचा या कब आपका हाथ हॉर्न तक पहुंचा। यह काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करने लगता है। इसी तरह जो भी चीज़ें आप अपने जीवन में चाहते हैं उनको बार बार बोलकर, बार बार रिपीट करके और बार बार करके आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है, जब तक कि वह आपकी एक आदत के रूप में न बन जाए। इसके अलावा लेखक एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जिसको हर कोई पाना चाहता है अपने जीवन में, और वह चीज़ है हर समय खुश रहना। हम सब हर समय अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं। हर समय खुश रहने के लिए एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है, वह यह है कि खुशी एक आंतरिक अवस्था है। आप बाहर की दुनिया में कितना भी कुछ अचीव कर लें, उससे आपको सच्ची खुशी मिलने वाली नहीं है। आप अपने ही जीवन को देखिए, आप कल कुछ और पाना चाहते थे, आज आप कुछ और पाना चाहते हैं। ऐसे हमारे गोल, हमारे टारगेट बदलते रहते हैं। कभी न ख़त्म होने वाली खुशी पाने के लिए आपको हर समय अपने विचारों के प्रति सजग रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, हर समय ये चेक करते रहना पड़ेगा कि अंदर चल क्या रहा है, इस पल मेरे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं। अगर आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा है, नाराज़गी है, दर्द है, जलसी है, तो यह कैसे संभव है कि आप खुश रह सकते हैं? इसके लिए लेखक एक उपाय बताते हैं
कि आपके मन में जिसके प्रति भी ये सब नेगेटिव भावनाएं आ रही हैं उसको क्षमा करना और उसकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करना। आपको सुनने में ये काफ़ी कठिन लग सकता है कि जिसने बुरा किया या जिसके प्रति आपके मन में इतनी बुरी भावनाएं चल रही हैं उसके लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी शांति के लिए आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, यह बहुत कठिन है। यहाँ पर आपको यह जानना ज़रूरी है कि यह करना, क्षमा करना या उसकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करना, ये आप महान बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब आप दूसरों को क्षमा करके ईश्वर से उनकी शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं तो शांति और खुशहाली आपके विचारों में है तो वह सबसे पहले आपके ही जीवन में आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपमान, क्रोध, ईर्ष्या जैसी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव फीलिंग्स सिर्फ आपको ही तकलीफ देने वाली हैं। अब ये चॉइस टोटली आपकी है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको यूजफुल लगी होगी और आप इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस बुक के सारे चैप्टर्स को मैंने इसी चैनल के एक और वीडियो में डिटेल में बताया है, आपको समय मिलने पर उसे भी एक बार ज़रूर सुनिए। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी इस बुक में बहुत सारे रियल एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें लोगों ने अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करके अपनी बीमारी कैसे दूर की, अपने जीवन में रिश्तों को कैसे संवारा, अपने जीवन में धन संपत्ति कैसे लाए, ये सब उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में बताया है। अगर आप यह सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से यह बुक ज़रूर परचेस कीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल बोलती किताबें का यह प्रयास यूजफुल लग रहा है तो वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर लोगों के जीवन में खुशी लाए, शांति लाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। तो आपके सुखी जीवन की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए यूजफुल टॉपिक के साथ में। थैंक यू।